वो हम आपके गाने की का ही इंतजार करें। यार मैं ना वो गाना जो है वो बेसुरा हो जाऊंगा बहुत जल्दी। मैं गाने के लिए तैयार हूँ अगर लोग सुनने के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि मुझे जितना एक्सपीरियंस है मेरे गाने का, गाने वाले तो है, सुनने वाला नहीं है मेरे गाने को। गाना मुझे बहुत शौक है गाने का, लेकिन बाथरूम में, और इसीलिए मैं पूरा नहीं गा पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे वो है नहीं व्यवस्था। तो बाथरूम में कौन कौन से गाने गाते हैं जब भी, मतलब फ्री होते हैं? जो मेरे पसंदीदा गाने हैं वो मैं गुरुजी आप छा गए अरुण जी अरे आप पहले ही सवाल में मेरे बाथरूम में आ गए हैं पहले ही सवाल में अरुण जी आप बाथरूम में आ गए हैं। बाथरूम में अलग अलग दिन पे अलग अलग होता है, मोस्टली चार्ट बस्टर से रहते हैं उसके अंदर। जैसे जब आप शावर में होते हैं तब कौन सा गाना जाना था आपको? एक तो ये नहीं, टिप टिप बरसा पानी नहीं, वो फिल्माया नहीं जा रहा है कि उसमें मौके पे वही गाना चाहिए, ऐसा नहीं है। अलग अलग गाने हैं, जैसे मुझे वो भी बड़ा अच्छा लगता है। कई सारे गाने हैं यार, अब जो जिस दिन चल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि कई दिन पुराने गाने भी होते हैं। पुरानी साबुन हाँ, कमरिया मरिया पे मेरा पे सूट नहीं करता वो गाना, तो मेरी जो चॉइस ऑफ सॉन्ग्स है वो अलग अलग ओकेजन पे अलग अलग होती है। चलिए अब हम पटाखा पे आते हैं, तो डीपर का जो कैरेक्टर है, हमने सुना है कि नारद मुनि है आप, ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे जितने भी मैंने आपके कैरेक्टर देखे हैं, तो ये बताइए कि डीपर क्यों बने आप इस बार? डीपर क्यों बनाया, सवाल ये पूछिए अरुण जी आप, क्यों बनाया आपको डीपर? डीपर विशाल सर ने जो फिल्म लिखी पटाखा, इसके अंदर एक किरदार है जो दोनों बहनों में लड़ाई करवाता है, उसका नाम डिप्पर है। जब भी उसको एक्साइटमेंट होती है कि लड़ाई की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो उसकी आंखें फड़कने लगती हैं ऐसे ऐसे करके, तो आंखें फड़कने से शरीर में एक सिरहन सी दौड़ती है इस तरह से, और वो एक्साइट हो जाता है, तो इसलिए उसका नाम डिप्पर, की आँखें फड़कती हैं उसकी इस तरह से। तो और दोनों बहनों में लड़ाई करवाता है, इसलिए शायद उसके घर पर टीवी या रेडियो नहीं है, तो एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए वो लड़ाई करवाता है। उनमें मज़ा आता है उसको, दोनों की लड़ाई देख के इस तरह से बहुत आनंद आता है। दोनों एक्टर से मैंने बात की, उनका ऐसा कहना है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है सुनील ग्रोवर जी। और मैं कैरेक्टर हूँ या वो आपको ही आपका मेरा फिल्म में कैरेक्टर? मेरे इंटरव्यू में उन्होंने आपका नाम लिया है, सुनील ग्रोवर जी बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है। तो क्या कमेंट होता है जब दो ब्यूटीफुल गर्ल का इस तरह से कमेंट आता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसान है? जी आपको जेलसी तो नहीं हो रही इस बात से? अच्छा, ये कर्म होते हैं अपने कि आदमी लिखवा के लाता है ये चीज़ें, ये हासिल नहीं की जाती, तो ये थैंक यू गॉड कह सकते हैं आप इसके ऊपर जी। लेकिन मैंने देखा कि आप काफ़ी मजे ले रहे हैं पूरे ट्रेलर में, पूरे गाने में ना लूँ, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो वही बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल, वो गोबर में कीचड़ में, कीचड़ कह सकते हैं या गोबर कह ले, जो भी कह ले, अलग काफ़ी आप मजे ले रहे हैं, ज़रा वो बताइए ज़रा कि मेरा जन्म इस तरह के मज़े लेने के लिए हुआ है। ईश्वर ने प्लेसमेंट ही मेरी ऐसी की है कि जा वत्स तू मजे ले, और तेरे मजे से लोगों को मजा आए ऐसा कर। तो मैं वहाँ फील्ड में ये सब करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। और गोबर में इस फिल्म में फाइट हुई है, बरसात में फाइट हुई है, और मैंने खड़े होकर ड्रम बजाए, बाल तो लड़कियों ने खींचे एक दूसरे के, और उसकी वजह से डिप्पर को आनंद आया, और आई एम होपफुल कि लोगों को भी आनंद आएगा इसमें। तो अगर मैं आपसे सुनील जी पूछूं कि जी पूछिए अगर पूछिए दो
दो फीमेल एक्टर, आपको आप तो काफ़ी पॉपुलर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, दो फीमेल एक्टर जिनके बीच में आपको झगड़ा कराना हुआ जी, तो नाम आप लेना चाहेंगे या मैं? आप क्यों करवाऊँ मैं झगड़ा? सिर्फ आपके दिमाग की उपज है कि अगर मान लीजिए आपको इनके बीच में झगड़ा करवाना हो तो, और वो नाम आप देंगे, मैं क्यों करवाऊँ किसी के बीच में झगड़ा? ये तो विशाल जी ने स्क्रिप्ट लिखी थी कि ये दो कैरेक्टर हैं, सान्या और राधिका में भी लड़ाई नहीं करवानी मुझे, दो कैरेक्टर हैं जो उनके चंपा और गेंदा, यानी कि बड़की और छुटकी, तो इन दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो मुझे करानी है, वो भी मेरे कैरेक्टर को करवानी है, तो मैं अपने आप को क्यों लेके आऊँ? क्या मैं डिप्पर बन चुका हूँ सारी उम्र के लिए कि मैं अब लोगों में लड़ाइयाँ कराऊँगा? जवाब दीजिए अरुण जी मेरे को। मुझे तो अच्छा लगा जितना भी मैंने ट्रेलर और गाने में देखा आपका कैरेक्टर, इसलिए मैंने आपसे पूछा, मुझे काफी अच्छा लगा इस तरह। धन्यवाद ओहो भाग्य अरुण जी को कुछ तो अच्छा लगा हमारा, इसलिए आपसे पूछ रहा था। धन्यवाद सर, थैंक यू जी। भारत की अगर मैं बात करूँ, भारत मैंने आप उसका कर भी आप उसका पार्ट हैं, तो कुछ मुझे जरा बताना चाहेंगे? देखा था कि सलमान सर आप पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, क्या कहेंगे सर, कैसा एक्सपीरियंस था? होगी मेरे फीचर्स में कोई ऐसी बात जो सलमान सर को अच्छी लगी? देखिए आप शाहरुख दोनों को आपकी बातें अच्छी लगती हैं, एक वीडियो देखा था हर जगह वायरल हुआ था, वो आपको केक खिला रहे जी, ऐसा बहुत ही कम होता है। मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती थी कि दोनों सुपरस्टार्स ऑफ कोर्स मेरे बर्थडे पे मुझे विश कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा जी। तो भारत के बारे में जरा कुछ बताना चाहिए? भारत अगले साल आएगी और इस बहुत सलमान खान साहब हैं उस फिल्म में, तो ऑफ कोर्स अलग एक खास किस्म का मज़ा है, उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकता क्योंकि फिल्म को आने में अभी टाइम है और मज़ा आएगा दर्शकों को फिल्म देख के। एक सवाल और जानना चाहूँगा, जैसे हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में काले गोरे का भेदभाव बहुत है, अभी हाल ही में शिल्पा शेट्टी को ये फेस करना पड़ा सिडनी एयरपोर्ट पर, उनके लगेज को लेकर, आपका कलर जो है काला है इसलिए हम आपके लगेज को रिसीव, इस तरह की चीज़ें क्या आपको कभी फेस करनी पड़ी या आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की चीज़ों को? मुझे नहीं रोका गया अभी तक पर्सनली, अगर मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा। कुछ कहना चाहेंगे आप उनके साथ में जो हुआ है, अगर आप कोई पता है ये बात? मैं अनअवेयर हूँ अभी तक, मुझे नहीं पता इसके बारे में, आई जस्ट गेट टू नो अबाउट दिस, पढ़ लेता हूँ कहीं जान लेता हूँ। चलिए 28 तारीख को युद्ध आरंभ होने वाला है जी, भारत पाकिस्तान का, और उसका कैरेक्टर एक आप भी उसका एक कैरेक्टर है, तो बताइए आप कितने रेडी हैं उस युद्ध के? मैं तो ऑफ कोर्स लुकिंग फॉरवर्ड, मेरा हमेशा से ड्रीम था, सपना था कि मैं विशाल सर के साथ काम करूं, और मैंने काम किया और अब फिल्म रिलीज़ होने वाली है, तो आई एम जस्ट थैंकिंग गॉड और मैं विशिंग कि लोग जाके देखें और लोगों को पसंद आए फिल्म। युद्ध? युद्ध क्या? युद्ध आरंभ होने वाला है तो जी, युद्ध के लिए आप कितना तैयार हैं? युद्ध के लिए अब मैं तैयारी है ऑफ कोर्स, मैं थिएटर्स में फिल्म लगेगी, थिएटर में युद्ध होगा और इस युद्ध का कहीं और प्रभाव नहीं होने वाला, लोगों के को मनोरंजन मिलेगा, हंसी आएगी और वो एंजॉय करेंगे फैमिली के साथ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये एक युद्ध है जो लोग एंजॉय करें। चलिए आई होप आई विश कि ये लोग बहुत ही युद्ध एंजॉय करेंगे और thank लोगों you, को बहुत ही पसंद आएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू।